चैनल सराज बनाते हैं ये बॉटल DIY। तो मेरे पास पड़ी हुई थी बहुत पुरानी ग्लास की बॉटल। जब मैं सामान देख रही थी तो मुझे मिली ये ग्लास की बॉटल, तो मैंने इसे सामान के तो रख लिया था, पर ये फिर खो गई थी। वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे रख तो लिया था पर ये फिर खो गई थी। तो आज जाके मुझे मिली है तो मैंने सोचा अब नहीं रखूँगी, अब मैं डायरेक्ट बनाऊँगी, वरना वो फिर खो जाएगी, फिर आ याद आएगा तो फिर मैं रख दूँगी तो फिर वो खो जाएगी। इसलिए मैं इस बार रखी नहीं, इस बार मैंने बना ही दिया, ठीक है। तो पहले तो दिमाग में नहीं था कि क्या बनाऊँ, तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, ठीक है, तो मुझे समझ में आया इसके इससे और तोड़ फोड़ के तो हम कुछ कर नहीं सकते। इस पर हम ऐसे ही प्लास्टिक की भी नहीं है कि मैं इसे काट के कुछ बना लूँ, है ना। तो मेरे को लगा कि पेंट वेंट करते हैं और कुछ बनाते हैं। तो मैं अब 30 मिनट्स की बात तो मैंने इस पर कलर करा, ठीक है। तो इस पर कलर नहीं होना चाहता, ये ग्लास है तो स्पॉन्ज तो बिल्कुल भी नहीं होगा उस पर कलर, मतलब थोड़ा मैंने कलर में ना पानी ज़्यादा गिर गया था तो वो वर्क नहीं कर रहा था उस पर, क्योंकि ग्लास बॉटल पे पानी तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है ओबियसली, तो वो इसलिए नहीं लग रहा। तो मुझे बहुत टाइम लगा, 30 मिनट्स लगे इसको करने में, एंड देन ये फिर सूख गया, सूखने में भी टाइम लगा। फिर मैंने यहाँ पे ना मिरर्स यूज़ करे, मेरे पास मिरर्स थे, उन मिरर्स के मैंने फ्लावर्स बनाए यहाँ पे ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिए। मैंने ब्लू कलर करा था इस पर, क्योंकि ये इस पर शाइन कर रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे। आप कोई सा भी अपना फेवरेट बेबी पिंक भी कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लग गया। मेरे दिमाग में जब आया नहीं था कि बेबी पिंक कर लूँ, पर मैंने ब्लू कर लिया, पर ब्लू भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने दो फ्लावर्स बनाए, दो तीन फ्लावर्स बनाने ऐसे डेकोरेट कर दिया मैंने, बहुत सुंदर लग रहा था लास्ट में। थोड़ा सा राजस्थानी लुक आ रहा था मिरर से, तो आप सोच ही सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी था, आज का डी आई वाई बहुत ईजी था, हार्ड नहीं था बिल्कुल भी, हार्ड था नहीं था, बताओ जैसे था या नहीं था, जल्दी कमेंट करो था या नहीं था, जैसे कमेंट में बताना कि आज का डी आई वाई था ईजी था या हार्ड था। मेरे लिए तो बहुत ईजी था, और सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट वाले और मेरे भी स्टार्ट ही हो गए हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। तो मैंने यहाँ पे ना पूरे में मिरर चिपका दिया, जैसे भी जो भी मिरर मुझे इसमें अच्छे लगे, मंडाला आर्ट टाइप के, कैसे भी जो भी मिरर्स थे मेरे पास वो मैंने सब पर चिपका दिए थे। मेरे पास डायमंड शेप के मिरर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, फिर भी आप देखोगे मैं सारी वीडियोज़ में डायमंड शेप के ही मिरर चिपकाती हूँ, डायमंड के नहीं होते, स्क्वायर के होते हैं। तो स्क्वायर को मैं डायमंड शेप में लेकर आती हूँ, मुझे डायमंड पसंद नहीं है, स्क्वायर को ही डायमंड शेप में लेकर आती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम स्क्वायर लगाते हैं ना तो बहुत ऑड ऑड सा लगता है, फिर वो बहुत गैप भी नहीं देने गैप दे नहीं दे सकते हम उसमें, दे सकते पर वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राउंड में तो वैसे भी गैप वाला नहीं आएगा, तो पतली सी लेयर चाहिए थी मुझे, तो मैंने इसको ही डायमंड शेप में यूज़ कर लिया है, मैं वैसे ही करती हूँ। और मैं बस और बहुत सारे मिरर्स भी आए हैं, और आप जरूर से कमेंट करना मैं क्या बनाऊँ, लिपन आर्ट या मोजाइक आर्ट, ठीक है, ज़रूर से कमेंट बताना। मोजाइक आर्ट मतलब सीमेंट से बनाने वाली, लिपन आर्ट मतलब क्ले से बनाने वाले। अपने चैनल तो लिपन आर्ट बनाई नहीं है, तो ज़रूर से बताना मैं लिपन आर्ट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ठीक है। अभी तो हाफ ईयरली चल रहा है, तो थोड़ा सा छोटा मोटा दिया हुआ लाती रहूँगी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, लाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। मैंने ना आपने देखा होगा बहुत ट्रेंड चल रहा है एक चीज़ का, ठीक है, तो ज़रूर से गेस करना हूँ किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। वो 7 करोड़ के आसपास सेलिब्रिटी का कुछ है, सेलिब्रिटी गर्ल का कुछ तो है वो ऐसा मटेरियल जो कि बहुत ही महंगा है। वो मैंने अपने चैनल पे बनाया है, उसकी वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आपको, और उसको बनाने में सच में बहुत टाइम लगा है, वो मैं अभी तो नहीं बताऊँगी, सिर्फ वीडियो में जाके देखना, ठीक है। तो हमारा ये बन के रेडी हो गया, तो सर टाटा बाय बाय।